सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, मैं हूं आपका दोस्त जावेद नासिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डिश इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है NN695 East। इसकी आज नई चैनल लिस्ट चेक करते हैं कि सुना है कि इस पे नए चैनल ऐड हुए हैं कुछ। ये इंडिया की सैटेलाइट है, इस पे सुनने में आ रहा है कि कुछ नए चैनल ऐड हुए हैं, चेक करते हैं आपके सामने, सर्चिंग करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से चैनल इस पे नए ऐड हुए हैं। सोनी पल, स्टार, उकदस वगैरह इस पे ऐड होने थे लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में ऐड नहीं हुए। सुनने में आ रहा है कि तीन मार्च तक आ जाएंगे। ये सर्चिंग स्टार्ट हो गई है आपके सामने, देखते हैं कि आज हमें कितने चैनल रिसीव होते हैं NN695 के। ये मैंने फ्री चैनल की सर्चिंग की है, इसमें जो पैड चैनल हैं सी लाइन वाले वो नहीं आएंगे। मैंने फ्री चैनल जो है सिर्फ उसकी सर्चिंग की है। मेरा सर्वर ख़त्म हो गया है, नया सर्वर अभी डाला नहीं है, इसलिए मैंने फ्री चैनल सिर्फ सर्च की है। ये फ्रिक्वेंसी आपके सामने टीपी स्कैन हो रही है, देखते हैं कितनी टीपी स्कैन होती हैं और आज हमारे पास कितने चैनल रिसीव होते हैं फ्री चैनल जो है। पहले इस पे तकरीबन फ्री चैनल जो है वो 190 तक 195 तक रिसीव होते थे। ये 2 फीट की डिश मैंने लगाई हुई है NN6 की। सर्चिंग होने के बाद देखते हैं कि कितने चैनल रिसीव होते हैं। ये अच्छी सैटेलाइट है, इस पे इंडिया के चैनल काफ़ी सारे फ्री चल रहे हैं। जब तक सर्चिंग मुकम्मल होती है हम वीडियो को रोक लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये टीपी तकरीबन स्कैन हो गई हैं, देखते हैं कि कितनी टीपी आती हैं। ये तकरीबन 29 टीपी आई हैं, देखते हैं कि चैनल कितने आते हैं। ये 2 फीट की डिश पे मैंने सेटिंग की हुई है इसकी NN695 इसकी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने चैनल नया बनाया है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बस आप दोस्तों के प्यार और खलूस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हर टॉपिक पे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी और ऐसी वीडियो मिलेगी जो शायद ही यूट्यूब पे ना हो। ये चैनल स्कैन हो रहे हैं, 63 चैनल स्कैन हो चुके हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 200 चैनल तक स्कैन होंगे। ये फ्री चैनल हैं जो पैड इसकी टीपी हैं जो सी लाइन पे या सर्वर पे चलती हैं वो मैंने स्कैन नहीं की। ये फ्री चैनल हैं जो फ्री टू एयर चल रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़बानों के चैनल हैं, श्रीलंका के कुछ चैनल हैं, उसके बाद इंडिया के 2-3 ज़बानों के चैनल हैं, उर्दू के हैं। ये ज़्यादा देखने वाली सैटेलाइट है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, ये ज़्यादा देखी जाती है। ये 2 फीट पे मुकम्मल रिसीव हो जाती है। अच्छी सैटेलाइट है ये, अगर आपके पास 2 फीट का डिश है या एशिया सेट लगी हुई है तो उसके साथ ये आसानी से ट्रैक हो जाती है।
ये चैनल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तकरीबन 200 चैनल रिसीव हुए हैं मेरे पास, जिसमें 49 चैनल रेडियो के हैं। दोस्तों ये चैनल हैं आपके सामने, 200 चैनल रिसीव हुए हैं। ये भी कोई नई टीपी है जिस पे मेरे ख्याल में डीडी फ्री डिश के इश्तेहार चल रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसी जो शोर हुई आपके सामने ये नई है, लेकिन इसमें कुछ चैनल, ये एक चैनल है जिसकी सिर्फ ऑडियो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। ये भी कुछ नई टीपी हैं। तकरीबन 4-5 चैनल इस पे नए आए हैं, क्योंकि पहले 195 चैनल आते थे, अभी 200 चैनल रिसीव हुए हैं। ये एक चैनल है, पता नहीं कौन सी जबान का है, ये एक नया चैनल आया है, ये उर्दू में नहीं है, किसी और जबान में है। ये भी फ्रिक्वेंसी नई है, लेकिन चैनल इस पे चल नहीं रहे। ये नई टीपी है, ये किसी और जबान में चैनल है, बांग्लादेशी जबान में है, पता नहीं कौन सी। ये चैनल नया आया है श्रीलंका का, श्रीलंका का कोई चैनल है, इस पे जो है ना जानवरों वाले चैनल चल रहे हैं। जिस तरह चैनल है इंडिया का जानवरों वाला, ये किसी है किसी और जबान में, ये चैनल नया आया है इस पे अभी, ये एनिमल चैनल है। देखने में तो ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है किसी और जबान में, ये नया आया है। इसकी टीपी चेक करते हैं, टीपी कौन सी टीपी है, 12223 और जेंटियल 4000, और जेंटल 4000 है, 12223, ये चैनल नया आया है। ये टीपी नई है सारी। दोस्तों ज़्यादा लंबे चैनल मैं नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये आपके सामने देखे काफ़ी सारे चैनल हैं, तकरीबन 4-5 चैनल, 6 नए आए हैं इस पे। एक चैनल अच्छा आया है जो जानवरों वाला चैनल है, एनिमल का। ये चैनल है आपके सामने, इस पे तकरीबन 3-4 चैनल नए आए हैं, कोई और तो नहीं है, वही एक चैनल है जो एनिमल का चैनल है, वो अच्छा चैनल आया है, वो न्यू चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। इस पे नए चैनल आने थे, जो इसकी स्लाइड ये खाली पड़ी है, इस पे जो है ना NN6 वगैरह आना था, लेकिन इस पे NN6 कहता हूँ, इस पे सोनी पाल और स्टार 10 के चैनल आने थे, लेकिन नहीं आए, वो स्लाइड इसी तरह खाली पड़ी हैं। ये तो वही पुराने चैनल हैं जो चल रहे हैं। ये रेशिया का चैनल है एक, सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं इसमें। ये DD के चैनल है, दोस्तों ज्यादा देर चैनल नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। Thank you.
दोस्तों इसकी जो स्ट्रॉन्ग टीपी है वो 11170 वर्टिकल 29500 है। अगर आपने ये सेटेलाइट लगानी है तो इस टीपी पे, ये इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है 11170 वर्टिकल 29500, ये इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ये इसकी स्लाइड खाली पड़ी है, इसी पे चैनल आने थे सोनी पाल वगैरह, स्टार उक्तस वगैरह, वो स्लाइड अभी तक खाली उसी तरह पड़ी है। मार्च के महीने में सुनने में आ रहा है कि इस पे वो चैनल आ जाएंगे। काफी जबानों के चैनल इसमें चल रहे हैं, ये जी न्यूज वगैरह, ये जी के चैनल हैं, कुछ फ्री चल रहे हैं इसमें। दोस्तों एक ये न्यूज चैनल आया है, ये है किसी और जबान में, पॉपकॉर्न मूवीज। इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी जो है 11470 29500 है। ये भी न्यू चैनल आया है, यह है किसी और जुबान में, पॉपकॉर्न मूवीज। ये गुड न्यूज टुडे, डीडी इंडिया, ये 24 न्यूज, बी फॉर यू बाजीपुरी, बी फॉर यू म्यूजिक, MTV, ये सारे वही पुराने चैनल हैं जो पहले चल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।